आईफोन वोफोन तो है नहीं मेरे पास, सैमसंग के फोन से शूट कर रहे हैं, अब सब्सक्राइब सब नहीं करते इसीलिए तो नहीं, गरीबी है, सब्सक्राइब कर दीजिए वन के करवा दीजिए, कभी आईफोन ले लेंगे गाइस जल्दी। एकदम सबका प्रिपरेशन पूरा एकदम बेस्ट है। I want in this love to survive. Now when I look in your heart. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, स्वागत है नए वीडियो में। आज 6 तारीख और आज हमारा जो थर्ड सेम का फर्स्ट पेपर है और अभी जो है हम लोग अपने कॉलेज दोस्तों से निकल चुके हैं, खाना वगैरह खा के मेस में फ्रेंड्स और दोस्त के साथ, और हमारा जो ऑटो है वो बाईपास पे वेट कर रहा है गाइस। तो हम बाईपास के लिए अभी जो है हम लोग बाईपास से उतर चुके हैं और आगे जो हमारे दोस्तों का ऑटो लगा हुआ है, और चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इन लोगों का, क्योंकि हम लोग आधा घंटा गाइस लेट हो चुके हैं, 10:30 का टाइमिंग था, 11 बज चुका है, और देखिए हम लोग को देकर के ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है रिएक्शन दोस्तों का। यार तुम लोग आगे रखिए प्रभु, आगे नहीं रखेगा प्रभु। हम लोग बीघा में और देखिए जो हमारे दोस्त सेंटू वो आ रहे हैं, अभी कह रहा कि हम बीच में बैठेंगे जो कि जगह नहीं है, बीच में सिंधु तो आ चुका है लेकिन एक दोस्त और अभी आने वाला है और अभी उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग, और देखिए ऑटो भी रुका हुआ है यहीं पे, सब दोस्तों को वेट कर रहा है उसका नीरज का, और देखिए गौर ये जो है हमारा दोस्त जो कि ऑटो में भी गाइस देखिए पट रहा है, ये नीरज गौरव कुमार जो कि ऑटो में पट रहा है। आधा घंटा 45 मिनट लेट हुए हो तुम। अभी जो है हम रुके हैं टेकारी बाजार में कुछ खाने वाला सामान वगैरह लेने के लिए, समोसा वगैरह गाइस हमें देखिए ब्लॉगिंग करते हुए कैसा देख कर समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है इधर का। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि लड़का क्या कर रहा है कैमरा लेकर के फ़ोन लेकर के स्टैंड, तो किसी समोसा खर्चा आ गया कमाल रास्ते में। ओ भाई भाई गाइस सस्ते का सब लगा हुआ है वहाँ पे, थोड़ा सा भी किसी भी गाड़ी से टकराया तो वो सीधे नाली में। चलिए चलते हम लोग नाश्ता लेने के बाद अब बढ़ चुके फिर से आगे टेकारी अपने सेंटर के लिए, और फिर से गौरव जो एक नींद मार के फिर से उठ गया है। देखिए गाइस फिर से वही जो एकदम लक्ष्मण पुल और अपना गौरव भाई, और ये गाइस यही फिर से अपना टेकारी हम लोग कॉलेज जस्ट पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में गाइस, और एकदम देखिए हम
देखिए सोनू भाई जो एकदम पोज दे रहा है खेत के सामने, पीछे गेहूं का खेत है। ऑटो जो है वो सामने जाकर लग चुका है रोड से नीचे, देखिए इतना गड्ढा से पहुंच कर। और हम लोग आए बस अप्रोक्स 5 मिनट में जो अपने कॉलेज पहुंच जाएंगे दुराड़े काटते हुए। तो चलिए हम लोग चलते हैं दुराड़े काटते अपने कॉलेज, यानी कि केकारी पॉलिटेक्निक में, जहाँ पे हमारा सेंटर है। और उसके बाद फिर हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 2 बजे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने कॉलेज। इनको थोड़ा कैप्चर लिया जाए, कैसा लग रहा है गाड़ी से? ये बचस्किया इधर घूम रहा है, कहाँ गया था? खुला हो गया बचस्की घूम रहा है अपना सेंटर। ये देखिए अपना जो सेंटर है वो आप टिकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, और काफी ज्यादा भीड़ है। देखिए अभी हम लोग अपने एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए सामने आपको कॉलेज दिख रहा होगा, और हमारे पीछे भी आपको दिख रहा होगा घर जैसा। देखिए धान का पुआल का बना हुआ है, और यहाँ पे सब दोस्त लोग अपना अपना मतलब एकदम एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं एग्जाम के लिए, और ऑटो से सब लोग उतर के जा रहे हैं। देखिए हम लोग कॉलेज के पास पहुँच चुके हैं, और देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर उधर सब, मतलब चारों तरफ जो है स्टूडेंट्स लोग भरा हुआ एकदम। रॉकी भाई, सोनू भाई जो एकदम बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं रॉकी भाई को कि अच्छा जाए एग्जाम। गाइस कॉलेज के अंदर हम लोग पधार चुके हैं, ये रहा कॉलेज का मेन गेट, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे गार्ड अंकल बैठे हुए हैं चेकिंग के लिए। और अभी जो है गाइस 5th सेम का एग्जाम चल रहा है हमारे सीनियर्स का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में था। और ये जो है चारों तरफ जो है कॉलेज का गार्डन है, जो कि आप लोग पिछले कुछ वीडियोज में देखते आ रहे हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 2 सेमेस्टर में यहाँ एग्जाम देने आए हैं। बट फर्स्ट सेमेस्टर में उतना आइडिया नहीं, जिससे यूट्यूब ब्लॉगर नहीं आता था। बट सेकंड सेमेस्टर का टोटल मतलब जितने 5 एग्जाम थे हमने दिया, उन सबका वीडियोज यूट्यूब पे है। और थर्ड सेमेस्टर का फिर से गाइस आज फर्स्ट पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, और गया से गाइस 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने सेंटर पे। और यहाँ पे देखिए किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, मेन भवन, मेन बिल्डिंग। कुछ दोस्त लोग हैं हमारे इधर, सोनू भाई इधर है, इधर शिवम भाई, इधर प्रियांशु, सब लोग जो है अभी थोड़ा सा कॉलेज का चारों तरफ देख लेते हैं कैसा माहौल है यहाँ का भी। फिलहाल कॉलेज तो हम लोग देख चुके हैं, 2 एग्जाम से हम लोग देख रहे हैं कि कैसा कॉलेज है, लेकिन अभी थोड़ा माहौल वगैरह देख लेते हैं गाइस कि कैसा माहौल है कॉलेज का। कॉलेज में जो है एक थोड़ा अच्छा सा मतलब शांति रहेगा, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन कर ले रहे हैं कि क्या क्या एग्जाम वगैरह में आएगा। अच्छा चल रहा है गाइस काफ़ी, और थोड़ा शांति भी है आसपास में, और कोई नहीं है देखिए, लेकिन माहौल है गाइस काफ़ी मस्त है। यहाँ पे पार्किंग हो गया है थोड़ा बहुत, चलिए गाइस थोड़ा बहुत आपस में ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे तो थोड़ा सा और आसपास आपको दिखाते हुए फिर चल लेंगे। और कॉलेज के अंदर हमारा एंट्री होगा, तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए गाइस बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। और गाइस वीडियो पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस ज़्यादा नहीं, 100K का सब्सक्राइबर भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी तो गाइस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए हमारा, उसके बाद फिर तो भाई आईफोन से शूट करेगा। तो गाइस देखिए हमारा जो सेकंड शिफ्ट का जो वो रोल नंबर है वो शायद DOR पे जो है वो लग चुका है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर देखने के लिए अपना रोल नंबर और सीट किस रूम में है किस रैंक। ये गाइस रोल नंबर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देख लिया है, और हम लोग का जो रोल नंबर है वो मतलब प्रियांशु का फर्स्ट बेंच पर और मेरा सेकंड बेंच पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खुश है प्रियांशु क्योंकि फर्स्ट बेंच पर। और ये भाई अनुराग रहे यहाँ पे एकदम पढ़ाई में मशहूर, पूरा टॉप करने की स्ट्रेटेजी बनाए हुए एकदम, और इस बार तो टॉप नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं पास करेंगे, तो मेहनत करते रहिए। हम आपको मिलवाते हैं कुछ अपने कॉलेज मतलब कि बैच की गर्ल्स से, उनसे थोड़ा बहुत पूछते हैं कि कैसा एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह है। और ये देखिए पेड़ की छाव में ये लोग बैठे हुए हैं नीचे, एकदम सबका प्रिपरेशन पूरा एकदम बेस्ट है। प्रिपरेशन थोड़ा सा बताओ तुम्हें और क्या नहीं, ये सब झूठ है, ये सब चीज़ें हम लोग के साथ होता है कि यूनिट नहीं पता होता है। एग्जाम में क्या होता है MCQ बता, अरे नहीं लिखे हैं तो कैसे बताएं, रिजल्ट के दिन टॉप ऐसा ना गाइस, सबका जो है वो A1 हो चुका है, और आधे घंटे में एंट्री होगा, और सब लोग जो एकदम रेडी है, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं अभी भी, टैलेंटेड लोग हैं ये सब। हम लोग से ये सब चीज़ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई कल से ही बंद है, कल रात भर सोए हैं आराम से एकदम। गाइस अभी जो है हम लोग एंट्री का टाइम हो चुका है, 20 मिनट बचा हुआ है एग्जाम में, और अभी जो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड एकदम मस्त पहन लिए हैं और चल रहे हैं हम लोग एंट्री करवाते हैं मतलब कॉलेज के अंदर। और गाइस जो मतलब अंदर जाने पे क्या फ़ोन वगैरह सब चीज़ पैक करके बाहर ही रखना पड़ता है,
फिर टाइट चेकिंग होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, सब आपको दिखाते हैं कि कॉलेज के मेन गेट पर कैसे वगैरह चेकिंग वगैरह हो रहा है। उसके बाद फिर फोन को बैग में डाल करके चलो हम लोग जाएंगे अंदर, एग्जाम देंगे। उसके बाद फिर आते आएंगे गाइस, वहाँ पर एग्जाम देंगे। हाँ बैग देखते रहिए गाइस, मेरा मतलब कि मोबाइल जो है बैग में ही रहेगा, चोरी वोरी ना हो, वरना फिर ब्लॉग व्लॉग नहीं आएगा। फिर देखते बहुत गरीब आदमी है गाइस, आईफोन वाइफोन तो है नहीं मेरे पास, सैमसंग फोन से शूट कर रहे हैं। अपने सब्सक्राइब कर नहीं करते, इसीलिए तो नहीं गरीबी है। सब्सक्राइब कर दीजिए, वन के करवा दीजिए, कंप्लीट आईफोन ले लेंगे गाइस जल्दी। देखिए गाइस काफ़ी चेकिंग हो रहा है इधर, गर्ल्स का चेकिंग और एक साइड बॉयज़ का चेकिंग। यहाँ पे जो है चेकिंग बहुत स्ट्रिक्टली हो रहा है। ठीक है, हाल चाल एकदम मस्त, एग्जाम की तैयारी एकदम? हाँ मैंने एग्जाम भर पहले हम जो बैग में अपना फोन वगैरह रख के चलते हैं अंदर चेकिंग करवा करके, चेकिंग हो रहा है यहाँ पे, तो चले फिर आते हैं एग्जाम लेकर के, तब Three hours later. तो गाइस अभी जो है 3 घंटे बाद हम लोग एग्जाम का पेपर देकर निकल चुके हैं हॉल से बाहर, और काफ़ी अच्छा एग्जाम गया हम लोग का, काफ़ी बेस्ट मतलब काफ़ी तगड़ा एग्जाम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था। इतना मस्त एग्जाम गया आज का क्या पता। तो चलिए अपने दोस्त लोग से भी पूछते हैं कि उनका कैसा गया एग्जाम आज का। तो रितेश कैसा गया एग्जाम अपना? मस्त एकदम तगड़ा एकदम। रुपेश भाई अपना कैसा गया एग्जाम भाई? बहुत अच्छा गया हम भाई। रुपेश भाई का एग्जाम बहुत मस्त गया, क्योंकि देखिए अपना गौरव भैया एकदम खुशी के मारे भाई साहब, इतना इतना बढ़िया। कैसा गया एग्जाम? ठीक ठाक बहुत बढ़िया। तुम्हारा कैसे गया? बहुत अच्छा, 70 में 72 नंबर लाए गए लेकर। कई नंबर 70 में? 60+। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए 70 में 60+। ये देखिए अपना प्रिंस भाई आ रहा है एकदम। सब लोगों का लगभग छुट्टी हो गया, 5 बजे था, एग्जाम खत्म हो चुका है, और सेंटर पे थोड़ा बहुत भीड़ है, ज़्यादा नहीं, और सबका गाड़ी वगैरह धीरे धीरे खुल रहा है, और सबका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी बेटर गया है लगभग। और चलिए तो फिर जो है साफ जो मतलब सारा एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो चुका है, और ऑटो में सब लोग बैठ चुके हैं फाइनली, और हमारा ऑटो जब थोड़ी देर में खुलेगा, सब लोग पानी वगैरह थोड़ा सा पी रहा है, और सब लोग यहाँ से गाड़ी वगैरह सब लगभग निकल चुका है धीरे धीरे, और धीरे धीरे भीड़ खाली हो रहा है, और हम भी थोड़ा मतलब हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में, तो चलेंगे चलते हैं हम लोग फिर। गाइस फिर से देखिए इस गड्ढे को जो है हमारा ऑटो पार कर रहा है, हम लोग उतर चुके हैं पीछे से ही हो। ये देखिए गाइस रास्ते के बीच में जो है एक टेम्पू मतलब मंदिर में जो प्रसाद बांट पड़ रहा था, वहाँ पे लोग मतलब पंडित जी हाथ देकर रुका कर सबको प्रसाद बांट रहे, हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है। आइसक्रीम ले रहे हैं, पार्टी हो रहा है गाइस एग्जाम से निकलने के बाद, थोड़ा सा मूड फ्रेश। ये देखिए एग्जाम देने के बाद हम लोग को मेस में जो है खाना में जीरा राइस तड़का और मिठाई भी था, जो कि हम लोग अभी खा चुके हैं। मिठाई दिख रहा है, यह देखिए पीयूष के प्लेट में मिठाई है, और ये मैच का आनंद लेते हुए एकदम मैच का आनंद लेते हुए सब लोग बैठे खा रहे हैं एकदम। इधर तपस्वी भाई खा रहे हैं, एग्जाम देके आए हैं, काफी थक गए उसके बाद खा रहे हैं एकदम। हाँ तो उसके बाद हम लोग भी खाते हैं खाना, और उसके बाद फिर